प्रिया धीर रुख करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से पहले अमृतसर यूनिवर्सिटी के बाहर लगे खालिस्तानी पोस्टर। पंजाब के अमृतसर दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम मान ने किया स्वागत। ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया टेस्ट मैच देखने पहुंचे पीएम मोदी। अभिनेता सतीश कौशिक का निधन, अनुपम खेर ने ट्वीट कर दी जानकारी। सतीश कौशिक के निधन पर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। सतीश कौशिक की मौत के मामले में जांच करेगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में हुआ सतीश कौशिक का पोस्टमार्टम, शरीर पर नहीं मिला चोट का निशान। मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंची ईडी की टीम। होली पर दिल्ली पुलिस ने काटे 7643 चालान। दिल्ली के पंजाबी बाग में सीएनजी पंप के कर्मचारी की पीट पीट कर हत्या, दो गिरफ्तार। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को लेकर पंजाब विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। यूपी में एटा के जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव गिरफ्तार। पटना के राजीव नगर इलाके में झुग्गियों में लगी आग, दर्जनों झुग्गियां जलकर खाक। मेघालय में एनपीपी पार्टी के थॉमस संगमा निर्विरोध स्पीकर चुने गए। उपेंद्र कुशवाहा को गृह मंत्रालय ने वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.7 थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।